ये हमारी अभी जो है इस्लामिक की न्यू लव स्ट्रीट बन चुकी है। ये हमारा ए ब्लॉक जिसमें हमारी क्लासेस वगैरह होती है। इस्लामिक स्टूडेंट के लिए ना पहला रास्ता ये पुल सिरात है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर वी आर विद अ न्यू व्लॉग एंड यू आर वाचिंग जानी वाइब्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का एक टूर लगाने और बारिश भी हो रही है ऊपर से। ठीक है, मैंने बोला कि बारिश में जो है यूनिवर्सिटी का एक जो एस्थेटिक व्यू है ना वो एक और निखर के आ जाता है। ठीक है, तो हमने मैं और ये मेरा दोस्त है सईद प्लान किया कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी का टूर करवा दें। ठीक है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स एडमिन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया वो आप लोगों को हम विजिट करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए यूनिवर्सिटी का टूर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लड़कों ने मुझे बोला था कि यार अपने यूनिवर्सिटी का जो है ना एक कंप्लीट टूर बना दें, तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अपने यूनिवर्सिटी का जो है ना एक टूर करवा दूँ, या कहते हैं ना ड्रोन व्यू जैसे कहते हैं, तो एक ड्रोन व्यू आपको करवा दूँ मैं आपको। पीछे से जो रास्ता है ना हमारा हॉस्टल का रास्ता है। ठीक है, हॉस्टल 5-6 जो है इधर से हम डायरेक्ट जा रहे हैं पहले एडमिन की तरफ। पुराना एडमिन था वो दूसरी तरफ था। ठीक है, अभी जो हमारा जो न्यू एडमिन बना है वो आप लोग करवाते हैं, लुक वगैरह दिखा देते हैं, उधर क्या क्या मैनेजमेंट है जानते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है उधर। बारिश चल रही है, बारिश में भी हम जा रहे हैं, ओल्ड एडमिन है ना उधर जो भी ऑफिस वगैरह है जैसे रेक्टर की ऑफिस हो गई, प्रेसिडेंट की ऑफिस हो गई, जो भी इधर की फी सेक्शन हो गई या डिग्री की एडमिशन हो गई, जो भी एडमिशन वाली जो भी ऑफिस है वो सारी जो शिफ्ट हो गई इधर न्यू एडमिन में। बाय द वे ये हमारा जो है फर्स्ट विजिट है न्यू एडमिन में। ये जो सारा पुराना FMS ब्लॉक था लड़कियों का, अभी जो है इसको ना चेंज करके एडमिन बना दिया गया है, तो हमें भी इसके रास्तों का कुछ पता नहीं है। ये एडमिन का जो है टेरिस का व्यू, ये देखें अभी हमारी यूनिवर्सिटी का व्यू। बारिश के टाइम पे जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो ब्यूटी है वो समझो एक निखर आती है। फीमेल का और मेल का जो एडमिन था वो अलग हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ना एंट्री मीन्स थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन जो है एडमिन है ना ऑफिस वगैरह वो ऑलमोस्ट सेम ही हो चुकी है। जैसे जो एंट्री है मेल की है और उस तरफ से जो एंट्री है वो फीमेल की है। ठीक है, और पीछे एक कैफे भी बना हुआ है आप लोगों का, हम वो भी विजिट करवाते हैं। ठीक है, क्वेटा कैफे के नाम पे रात के टाइम पे जो हमारी एंट्री होती है ना मतलब क्वेटा कैफे के पास जाने के लिए तो हमारी उस तरफ से होती है। ठीक है, उसी तरफ से, लेकिन अभी जो दिन के टाइम ठीक है गर्ल्स वगैरह होती हैं तो इस वजह से हमें जो है ना घूम के जाना पड़ता है पीछे इधर। सामने से देखे ना बैरियर लगे हुए हैं, इस बैरियर के उस पार जो है ना फीमेल का कैफेटेरिया है, इस तरफ जो है ना हमारा मेल का कैफेटेरिया है। अगर किसी को इसका नाम पता है तो कमेंट में बता तो दें ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ना सीनियर फ्लोर के दरख्त बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी ये जो आपको संतरे नजर आ रहे हैं बॉयज कैंपस की तरफ पे नाशपाती जो होती है और ग्रेस अंगूर वगैरह जो होता है जामुन वगैरह है ना मतलब सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो सारी जो है ना बहुत ज्यादा हमें मतलब यूनिवर्सिटी में हमें फ्री मिलती है। बात ये है कि पहले जो एडमिन होता था ना वो सेंटर में होता था। ठीक है, मीन्स जो बॉयज कैंपस था उनके लिए भी मतलब इतना दूर नहीं होता था और जो फीमेल कैंपस था ना उनके लिए भी इतना दूर नहीं होता था, लेकिन अभी जो है ना एक ही साइड पे कर दिया इन लोगों ने कि जो मतलब मेल वाले जो आते हैं ठीक है मतलब गेट से आए या हॉस्टल वगैरह से हैं उनको भी मतलब ये दूर पड़ जाता है और फीमेल कैंपस को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाती है ना। ठीक है, लेकिन फीमेल के लिए जो है ना शटल सर्विस जो है स्टार्ट की गई है, उनको जो है पिक एंड ड्रॉप की जो है फैसिलिटी देते हैं, लेकिन हम जो है गरीब हमें कोई नहीं पूछता, कोई पूछने वाला है ही नहीं इस्लामिक में तो हमें कोई पूछता ही नहीं है ना यार क्या करें, हमें जो है ना इस जो है पैदल गाड़ी में चलना पड़ता है, इधर से जो है ना बहुत लंबा चक्कर पड़ता है। ठीक है, अभी इधर से हम डायरेक्ट जो है ना न्यू एडमिन की तरफ जाएंगे और आप लोगों को इस गली का भी जो चक्कर लगा देंगे। ये हमारी अभी जो है इस्लामिक की न्यू लव स्ट्रीट बन चुकी है। जो है ना लोग जो आते हैं मतलब हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या काम के लिए आता है, कोई मतलब किस काम के लिए आता है। जो भी मतलब मेल के जो एडमिन के काम होते थे ना वो सारे इस तरफ होते थे, लेकिन अभी ये खत्म हो चुके हैं। ये हमारा पुराना एडमिन, सिर्फ जो है ना ऑफिस का नाम रह चुका है, प्रेसिडेंट की ऑफिस है और जो हमारे रेक्टर है उनकी ऑफिस हैं और जो भी हमारे इंचार्ज वगैरह होते हैं डायरेक्टर एकेडमिक वगैरह हो गया डायरेक्टर वगैरह हो गए ठीक है उनकी ऑफिस इधर रह गई हैं, बकाया जो भी चीज़ है वो सारी शिफ्ट हो गई पीछे न्यू एडमिन। ATM है इधर HPL का उधर एलाइड का, लेकिन कभी कभी जो है ना इसमें कैश नहीं होती कभी कभी ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट कैश नहीं होती है। फीमेल जो एडमिन सेक्शन था उनकी एंट्री ये थी। इस्लामिक स्टूडेंट के लिए ना ये जो है ना ये वाला रास्ता फुल सिराज है, ठीक है। इधर कई किसी भी टाइम पे ना जो आप लोगों को पीछे जो है सीटी लग सकती है। इसकी जो इस साइड पे जो है ना फीमेल कैंपस है, इस वजह ये सामने हमारी लाइब्रेरी है। यार हमारे जो इस्लामी के बंदों में देखो कितना कॉन्फिडेंट है, इस रास्ते पे जा रहे हैं कितने डर रहे हैं, कितना खौफ है इसके दिल में। ये हमारी लाइब्रेरी का मेन इंटरफेस है और ये हमारी जो सामने से ना न्यू लाइब्रेरी बन रही है हमारी, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी का हमारा जो प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 7 दिन है ना, उनमें से जो एक दिन होता है मतलब फीमेल का होता है, एक दिन होता है मेल का। उस दिन फीमेल का मेन डे होता है ना, मतलब मेन जो लाइब्रेरी है इधर फीमेल का डे है, तो फिर जो मेल होते हैं ना तो वो जाते हैं किधर, रिजर्व रूम में। और जिस दिन इधर हमारा मेल का जो होता है ना मेन दिन होता है, तो पीछे जो हमारी जो फीमेल्स हैं वो हमारी फीमेल जाती हैं रिजर्व रूम में। ये हमारी जामे मस्जिद है, इधर जो हमारी जुम्मे की जो नमाज होती है वो इधर होती है। जुम्मे के दिन ऐसे फील होता है जैसे हम लोग जो ना ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, हमारी जो यूनिवर्सिटी में 33 कंट्री से जो ना फॉरेनर जो स्टूडेंट हैं वो स्टडी के लिए इधर आते हैं, डिफरेंट कंट्री के जो है ना स्टूडेंट इधर आते हैं। तो ऐसा फील होता है कि हम लोग मतलब किसी बड़ी जामे मस्जिद में आ गए हैं और जो है ना ईद नमाज़ हमारी होने वाली है इधर। यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि यार एक कोई अच्छी सी जो मस्जिद जो है ना बना दे। अभी ये देखो सिर्फ एक शेल्टर लगा हुआ है, शेल्टर के नीचे जो सारे बड़े पढ़ते हैं। अभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, तो यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि एक जो है ना अच्छी सी जामे मस्जिद भी बना दे, मतलब जिसकी लुक भी अच्छी हो और जो है ना बंदे मतलब जिसमें सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो सारी कैपेसिटी है वो फिल हो जाए उनकी। नाउ वी हैव इंटरव्यू इन द मेल कैंपस, तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं हमारा जो मेल कैंपस है, हमारी जो जन्नत है। फीमेल कैंपस में हम जाने से रहे तो इस वजह से हम फीमेल कैंपस का विजिट नहीं करवा सकते। हाँ, फीमेल कैंपस का कोई हमारी जो है ना बहन होगी हमारे उधर फीमेल कैंपस में जो व्लॉग वगैरह बनाती होगी, तो वो जो है हमें कोई वीडियो बना के दे तो फिर हम उसमें उसको जो है ना अपनी वीडियो में ऐड कर दें, ताकि हम लोग आप जो आपको ना एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी का टूर बना सकें। अगर हम 6 महीने जो है ना पीछे रिवर्स बैक जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये कैफेटेरिया था, ठीक है। एक इस तरफ से एक हट बनी हुई थी, ठीक है, वो था हमारे पास। ये है सी ब्लॉक, ये जो सी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक जो है मैनेजमेंट और अप्लाइड साइंस का ब्लॉक है, ठीक है। इधर जो आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गई हो, जो बीएस मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गया, जो भी डिपार्टमेंट है उनकी सबकी जो क्लासेस वगैरह इधर है, ठीक है। ये सामने से जो है मेडिकल सेंटर है, ठीक है, इधर डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, इधर स्टूडेंट की जो है ना फ्री में इलाज करा किया जाता है, फ्री में तो नहीं किया जाता, इतनी फीस लेते हैं तो। और ये है हमारी प्रोवोस्ट ऑफिस, ये है हमारा अनाज कैफे जिसको हम सी कैफे के नाम से जाना पहचाना जाता है। पहले हमारी जो है ना सिर्फ ये एक हट हुआ करता था, इधर ही हमें समोसे मिलते थे, रोल मिलते थे और जो बिस्किट वगैरह चाय वगैरह मिलती थी, ठीक है। तो ये सारी जो ओपन जो है सिटिंग होती थी, जो अभी हमारी जो है सारी की सारी मार्केट जो है अभी न्यू बनी है। ये हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, सामने से ये क्रिकेट चल रही है और उधर जो हमारे बास्केटबॉल के ग्राउंड है, सामने से ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक ये हमारा है, बी ब्लॉक और पीछे जो हमारा इसके इंजीनियरिंग का ब्लॉक है हमारा एसएमएस ब्लॉक। हमारी जो मैनेजमेंट जो क्लासेस होती है ना उनकी क्लासेस इधर होती हैं, बीबीए हो गया, अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंस हो गई, ये सारी क्लासेस इधर होती हैं। ये है सामने ए ब्लॉक, ए ब्लॉक में हमारी आ गई शरिया ला, उसूलुद्दीन, एलएलबी, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज की जो क्लासेस होती हैं वो सारी जो है ना ए ब्लॉक में होती हैं। यह सुबह से हम लोग जो है ना पैदल घूम रहे हैं और आप लोगों को यूनिवर्सिटी का पता है कि यूनिवर्सिटी का एरिया कितना बड़ा है, तो इस मेहनत की वजह से ना वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यार आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। ये है हमारा डी ब्लॉक, जो है सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक आईआर हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गई, पाकिस्तान स्टडीज हो गई, ठीक है, इनकी जो डिपार्टमेंट की क्लासेस हैं वो इधर होती है सबकी। इधर से हमने स्टार्ट किया, अपने हॉस्टल से निकले हैं बाहर, इधर से हमने स्टार्ट किया, इधर जाते हैं, इधर आए न्यू एडमिन, ठीक है, इधर जाते हैं, ये सामने ये ओल्ड एडमिन है, ठीक है, इधर से हम सारा घूमते घूमते पीछे इस तरफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के पास इधर सी ब्लॉक है, फिर इधर से घूमते 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 फिर ये डी ब्लॉक घूमते, ये हम इधर से। ये था हमारा यूनिवर्सिटी का छोटा सा एक ब्लॉग, एक ड्रोन व्यू आपको दे दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी का ब्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार वीडियो को अगर शेयर हो सकता है तो शेयर भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, न्यू जगह पे, एक न्यू एडवेंचर में, ठीक है। तो तब तक रखना अपना ख्याल, अपनी फैमिली का रखना ख्याल, हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।